अब हमें चाहिए सॉल्ट, तो हम आ गए हैं सॉल्ट वाले सेक्शन में। तो हम देखेंगे जो सबसे सही रेट का होगा तो हम वो सॉल्ट लेंगे। बहुत सारे ब्रांड्स में हैं यहाँ पर जो कि हमने कभी देखे भी नहीं। ये 700 ग्राम और इसके प्राइस है 3.50 दिरहम। तो 3.50 के अकॉर्डिंग हो गया है 70 रुपीज़ समथिंग। तो ये 700 ग्राम जो 70 रुपीज़ है। जो दिखाया है ये है दतर का सॉल्ट, ये है दूध हीरम का, और एक ये वाला भी इसमें अरजान क्रिस्टल सॉल्ट, इसकी भी प्राइस है 2.75 दिरहम। तो सबसे सस्ता ये वाला है दो दिरहम का, मतलब 40 रुपये से ही ऊपर का हो गया। तो हम ये वाला ले लेते हैं। दाल का सेक्शन यहाँ पे, हर तरीके की दाल है। ये ब्रांड है बयारा। तो ये क्या है, ये है चिक्कीस छोले, ये है 6.25 दिरहम के। ये है हमारी ब्लैक वाली दाल होल लेंटिल्स, ये है 4.95 दिरहम की। ये हमारी लाल वाली दाल है मसूर दाल, ये है यहाँ पे 4.99 की, मतलब 5 दिरहम की हो गई है, 100 रुपीज़ से ऊपर। बयारा में जो मसूर दाल दिखाई थी वो थी 5 दिरहम की, और ये वाली वो 400 ग्राम थी, ये भी 400 ग्राम है, ये है 2.75 की। तो ये कम रेट में है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ के अलग अलग ब्रांड में अलग अलग प्राइस मिलता है। हम ये वाली दाल ले लेते हैं, मसूर दाल 400 ग्राम है, 2.75 की। तो मैं आपको स्पाइसेस भी बता देती हूँ यहाँ पे किस किस रेट में। ये है लाल मिर्च पाउडर आधा किलो, ये है 7.95 की। तो ये हो गई 160 रुपये की आसपास। तो ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ये है 200 ग्राम 3.50। तो ये हो गई है 4 दिरहम के आसपास, तो 80 रुपये के आसपास। मैं आपको फिर बता रही हूँ, कभी आप मुझे कमेंट करें कि आपने गलत प्राइस बताया। मैं आपको एक लमसम बता रही हूँ, इतना आइडिया मुझे भी नहीं कि मैं पूरा आपको एक पूरा एक्यूरेट रेट बताऊं कि इतने का है। तो ये इंडियन रुपीज़ कितने का पड़ेगा, तो मैं आपको एक आईडी से बता रही हूँ जो मुझे पता है। दुबई में हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी आपको, ये नहीं कि ना इंडिया में जैसे हमें पाउडर नहीं मिल पाता है, यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर मिल जाएगा, हर चीज़ के पैकेट बने हुए होते हैं। ये है हल्दी पाउडर, ये है देखिए 200 ग्राम 4.99, मतलब 5 जीरम के आसपास हो गई, 100 रुपये के आसपास। तो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर मैगी किस प्राइस में है। ये है वही पैकेट जो हमारे इंडिया में मिलता है बिल्कुल 280 ग्राम का, ये है यहाँ पे 4.99, 5 जीरम के आसपास, जो कि हो गए 100 रुपीज़ समथिंग। तो मैं आई हूँ शुगर वाले सेक्शन में। चीनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको चीनी की यहाँ पे प्राइस बताती हूँ यहाँ पे कितने हैं। तो ये है मिस्टर शेफ की, ये है 15 दिरहम की 5 किलो चीनी। तो 5 किलो चीनी इंडियन प्राइस में कितने हुए, 330 रुपये। तो 330 रुपये से 1 किलो पड़ गई हमें 66 रुपये किलो। ये 66 रुपये किलो शुगर है ये। और ये एक दूसरी है, ये है 4 किलो का पैकेट, ये है अल आमीन, ये है 11 दिरहम का। हमें 11 दिरहम का ये पड़ गया इंडियन रुपये 242 की। तो ये 4 किलो की ये पड़ जाएगी आपको 60 रुपये किलो। तो ये इसके मुकाबले ये थोड़ी चीप है, ये 60 रुपये किलो हो गई, ये हो गई 66 रुपीज़ के जी। तो हम ये वाली ले लेते हैं। आटा, इसके मैं प्राइस बता देती हूँ, ये है प्राइड ऑफ पाकिस्तान का 5 किलो, ये है 14.99 का, इंडियन प्राइस ये होगा 330 रुपीज़ का। ये है 5 किलो, ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा महंगा है अलबेकर का, ये है 5 किलो 20.99 का, 450 इतने का है, तो इससे महंगा है। एक ये है आटा, ये भी 15 दिरहम का है, सेम उसी प्राइस में 330 में 5 केजी। तो हम ये वाला आटा लेंगे। वाह, ब्रेड 4.5
50 भी ना, 90 रुपये से ऊपर की ये एक ब्रेड है सिर्फ, और ये भी 90 रुपये के आसपास ही वाली ब्रेड। मैं आपको बन की वैरायटी दिखाती हूँ, यहाँ पे किस किस तरीके की कितने कितने प्राइस में बना है ये दिखाओ। ये है 3.99 धीरम की, सिर्फ टू पीस, चार धीरम का मतलब हो गया 80 रुपये से ऊपर का। ये देखिए गोल बन जो है ये 7.99, एक धीरम का 160 रुपये से ऊपर का, सिर्फ एक रोटी है ये जो है। सबसे कम प्राइस में मुझे ये दिखा 1.98 धीरम है, मतलब 40 रुपये के आसपास। इसमें 6 बन है, प्लेन है पूरे, तो ये इस तरीके का पैकेट है। ये बना है ये दो धीरम का, 40 रुपये से ऊपर का, थोड़ा इसमें सिर्फ 4 बने। ये हरे वाले बर्गर बन, ये है 3.99, चार धीरम के 80 रुपये के आसपास। एक ये देखिए ब्राउन बन, इसमें है लाइट डोरा केक, 6 बन, ये है 4.50 के, 80-90 रुपये के ऊपर, 80-90 रुपये के आसपास। और ये देखिए चॉकलेट बन, मुझे बहुत पसंद है ये, ये है 3.75 का, मतलब 80 रुपये के आसपास। यहाँ पे खाने की इतनी वैरायटी है कि बंदा खाते खाते थक जाए, पर यहाँ पे वैरायटी ख़त्म ना हो, देख के दिल करता है कि सब ले लो। 2 लीटर का ये फुल क्रीम, ये है 12 दिरहम का, 240 से ऊपर का, ये सिर्फ 2 लीटर दूध है। ये भी देखिए 2 लीटर, ये भी इतने का ही है, 9.99 का दिरहम का। हम वेजिटेबल सेक्शन में आ गए, तो हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए ये है 2.99 दिरहम, ईरान के टमाटो। तो ये 2.99 पर केजी जो है टमाटो है, इंडियन प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी लमसम। तो हमें जितने चाहिए टमाटर हम उतने ले लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके वेट होगा तो बताएंगे कि हमने कितने टमाटर लिए हैं। हमें चाहिए ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें, तो यहाँ पे ऊपर जो है बोर्ड दिए गए हैं प्राइसेस के, तो ये देखिए ये है हरी मिर्च की प्राइस, ये 6.99, 140 के आसपास ये हरी मिर्च है 1 kg। ये आलू जो है, दो तरीके का आपको आलू दिख रहे होंगे यहाँ पे, इनके अलग अलग प्राइस हैं। ये है ये वाले जो हैं ये साफ हैं, ये है 2.99 धीरम, ये होगा 60 रुपये के आसपास। और ये जो दूसरे वाले हैं थोड़े से बड़े बड़े हैं, थोड़े से आप उनके कलर भी देखिए, तो ये है 1.99 धीरम, एक धीरम कम में है ये वाले आलू, तो ये 40 रुपये के आसपास हैं, ये वाले 60 रुपये के आसपास हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से लहसुन की जवे मिल रही हैं, छिली हुई हैं, ये कितनी ज़्यादा मोटी मोटी हैं। प्राइस है 16 धीरम पर केजी, तो ये हो गए हैं 320 रुपये के आसपास। ये देखिए इस तरीके से पैकेट में भी है, ये देखिए ये 2.5 किलो का पैकेट है, और इसके प्राइस है 29 धीरम, 600 रुपये के आसपास, ये 2.5 किलो है छिले हुए लहसुन। ये है अनियन इंडिया की अनियन, ये है 1.75 धीरम की, तो ये हो गए हैं 40 रुपये के आसपास, थोड़ा सा से नीचे। गार्लिक दिखाती हूँ, लहसुन इसकी प्राइस बताती हूँ मैं, ये आपको दिखा होगा गार्लिक वाइट पैकेट हाफ जो है वो 3.5 धीरम का, और जो फुल है वो 6 धीरम का है, तो हाफ जो है वो ये है 3.5 धीरम का, मतलब 70 रुपये के आसपास ये है। और ये जो है ये है फुल, ये है 6 दिरहम का, 120 रुपये के आसपास। ये देखिए लूज भी मिल रहे हैं, ये गार्लिक ये है 8 दिरहम के 1 kg, मैंने पहले ये चीज़ नहीं देखी। ये है स्मॉल अनियन, इतनी छोटी छोटी सी अनियन है ये, बहुत सही है।
आपने देखी इस तरीके की पहले कभी अनियन छोटी छोटी थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैरेट इज 5.99 दिरहम पर केजी। इंडियन प्राइस में ही हो गई 134 रुपये किलो, 134 रुपीज़ पर केजी। तो हम इस तरह से इसे लेते हैं, ये पिन्नी जो हैं यहाँ पर लगी हुई होती हैं, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको जितना लेना है आप इसमें डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद काउंटर पर जाके इनका वेट होता है, और जितना ही वेट जितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्राइस पे करते हैं। ये मटर जो है 1.99 ग्राम की है, तो ये इनकम प्राइस होगा 270 रुपीज़ पर के जी, 270 रुपये किलो यहाँ पर मटर मिल रही है। तो ये देखिए मैंने जो है मटर ले ली है, यहाँ पे वेट करवाते हैं। ये 10.99 ग्राम की है ये भिंडी, 220 रुपये से ऊपर की। 1.99 के हैं बैंगन, छोटे वाले बैंगन हैं ये 2 ग्राम के। ऐसी ये शिमला मिर्च है, ये है 7 ग्राम की, 140 रुपये किलो। जूसेस देखिए यहाँ पे, जूसेस से कितने वैरायटी है, मिक्स बेरी एंड फ्रूट नेक्टर 1 लीटर, ये है 7.35 ग्राम का। मैंगो मिक्स एंड फ्रूट नेक्टर, ये है 7.35 ग्राम का। एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, कितनी ही वैरायटी है यहाँ पे जूस की। इतनी प्यारी प्यारी पैकेजिंग है, ये 11 ग्राम का ये है, तो ये है 220 रुपये का, ये एक बॉटल है, ये 1.35 लीटर की। ये है फ्रेश ऑरेंज जूस, फ्रेश 200 ml, 500 ml और 1 लीटर, अलग अलग प्राइस में है। 1 लीटर जो है 8 ग्राम का है, मतलब 160 रुपये का। आधा लीटर जो है वह 4 ग्राम का, और 200 ml है 2 ग्राम का। मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखिए ये जो 35 ग्राम, मतलब 700 रुपये के आसपास, 10 किलो का डिटर्जेंट है 700 रुपये का। ये टाइड आप देखिए 9 केजी, ये है 70.99 ग्राम, तो ये हो गया है 1400 रुपये का, ये 9 किलो है। हम तो हमने ये वाला डिटर्जेंट लिया है, ये 3 केजी जो है ये 12 ग्राम का है, तो ये 250 रुपये का है सिर्फ 3 केजी। ये देखिए अमल जो है अपनी लॉलीपॉप इंजॉय कर रही हैं। अमल कैसे लगा, यम्मी? अमल को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो अमल वहीं फैल जाती हैं, और फिर उसके बाद उन्हें वो चीज़ दिलवानी ही पड़ती है। और हमारी अजवा जो है वो देखिए सो गई हैं, माशाल्लाह तबारकअल्लाह।